नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु यदि अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है और उसकी प्रकृति को ही बताना है। यह जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में 5 नंबर में आएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग दे देंगे कि वस्तु अनंत पर हो, या हेडिंग देंगे अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द इन्फिनिटिव इन कनकेव मिरर। आप हेडिंग देने के बाद से सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि यह प्रतिबिंब जो बनाना है वह किस दर्पण में बनाना है। तो प्रतिबिंब जो हम बनाने जा रहे हैं वो आपका जो है अवतल दर्पण बनाने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम जो है एक अवतल दर्पण का फिगर बना लेंगे। यही आपका जो है अवतल दर्पण है, वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ धसा होता है और रंगा हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को हम जो है अवतल दर्पण बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। दर्पण को बनाने के बाद से खुले हाथ से दर्पण को नहीं बनाएंगे, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की सहायता से ही या फिगर सारे बनाएंगे। दर्पण बनाने के बाद से दर्पण के बीचों बीच जो है एक सरल रेखा आप खींचिएगा, जिसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रधान अक्ष जो होता है, वह दर्पण को जहाँ काटता है उसको हम पोल कहते हैं, पी से स्वीत करते हैं। और उसके बाद से जो है किसी भी त्रिज्या से जो है बाईं ओर एक चाप काटते हैं। तो पहला जो चाप होता है उसको हम फोकस कहते हैं। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं जिसको हम जो है वक्रता केंद्र कहते हैं, सी से स्वीत करते हैं। अब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाना है वो वस्तु को कहाँ रख करके बनाना है, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। कह रहा है कि वस्तु अनंत पर हो, तो अनंत पर होने का मतलब वस्तु जो है प्रधान अक्ष पर नहीं हो। तब जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, आपको नियम बताया गया है कि वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो उसमें बताया गया है कि वस्तु अनंत पर होती है या प्रधान अक्ष पर नहीं होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए ये प्रधान अक्ष जो आप देख रहे हैं इसी के समांतर जो है दो किरणों को दर्पण पर भेजते हैं। तो आइए इस प्रधान अक्ष के समांतर जो है दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण जो भेज रहे हैं वो ऊपर प्रधान अक्ष से ऊपर और दूसरी जो है प्रधान अक्ष के नीचे। इस तरह से प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर दो किरणों को लेते हैं। दोनों ही किरणें दर्पण से टकराने के बाद से आपको नियम में बताया गया है कि दोनों किरणें जो है फोकस से होकर चली जाती हैं, ये दोनों किरणें जो है फोकस से होकर के चली जाएंगी और इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन जाता है। आइए फिर एक बार देखते हैं प्रतिबिंब को हम कैसे बनाए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो या प्रधान अक्ष पर नहीं हो तो उसका प्रतिबिंब बनावे और प्रकृति को बताए। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा और रंगा हुआ या कलई किया हुआ पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को अवतल दर्पण कनकेव मिरर कहते हैं। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रधान अक्ष जो है दर्पण को जहाँ काटता है उसको पोल पी से स्वीत करते हैं। किसी भी त्रिज्या से प्रकाल के द्वारा बाईं ओर एक चाप काटते हैं, नुकीला पॉइंट पी पर रख करके, और बाईं ओर एक चाप काटते हैं फोकस। उतना ही दूरी पर फिर एक चाप काटते हैं जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और वस्तु को जो है अनंत पर रखना है यानी प्रधान अक्ष पर नहीं रखना है, तो प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है उसी नियम का पालन करेंगे। आपको बताया गया है वस्तु अनंत पर हो या प्रधान अक्ष पर नहीं हो तो वैसे कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसी प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर दो किरणों को लेते हैं। दोनों ही किरणें जो है दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है और इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है बन जाता है। तो प्रतिबिंब आपको जो है कैसे बनाया गया है, आप प्रतिबिंब बनाना यह सीख लिए हुए हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। अब आइए इस प्रतिबिंब को बनाने के बाद से प्रकृति लिखना होता है। प्रकृति में आपको 5 चीजें लिखनी होती है। पहली चीज कि यह जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बना कि काल्पनिक, सीधा बना कि उल्टा, दर्पण के बाईं ओर बना कि दाईं ओर, और कहाँ बना, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, इतनी सारी चीजें लिखनी होती है। तो आप प्रकृति में आप लिखिएगा कि आप देख भी रहे हैं यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है उल्टा बनता है, तो वास्तविक बना उल्टा बना। तीसरी बात कि यह जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है दर्पण के बाईं ओर बनता है, ठीक है, और कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और वस्तु जो अनंत पर होती है वो बहुत बड़ी होती है वस्तु, उतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बिल्कुल ही छोटा बनता है, बिंदु मात्र बनता है। तो इस तरह से प्रकृति भी आप लिख लीजिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है,
उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है, दर्पण के बाई ओर बनता है और कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप बताइएगा उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। या अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर कब बनता है, चार ऑप्शन दिया रहेगा तो आप लिखिएगा उसमें। देखिएगा ऑप्शन जो है दिया हुआ है कि यदि वस्तु जो है अनंत पर है तब जो है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से जो है आप प्रतिबिंब बनाना सीख गए कि अवतल दर्पण में वस्तु जो है अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनाते हैं और उसकी प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति में ये पांच चीजें जो है आप लिख लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा काम ये पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।